नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डिजिटल मित्र आशीष ओम प्रकाश जायसवाल खातेगांव.com से। जनता कर्फ्यू का आज छठा दिन है, साथ ही साथ आज पूरे नगर में लॉकडाउन की स्थिति। आप रहेंगे कि किस तरह से पूरे नगर में लॉकडाउन हो चुका है, एक भी व्यक्ति नगर में नहीं दिख रहा है। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुनीत जैन है, जो कल शाम की मीटिंग में भी उपस्थित थे, यहाँ पर भी चर्चा करी सभी समस्त शासकीय अधिकारियों के साथ। आज बताइए पुनीत जी, क्या चर्चा हुई थी और किस तरह से इसको अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, कल प्रशासन के साथ हम लोग ने चर्चा की थी कि किस तरीके से लोग बाहर आ रहे हैं, अनावश्यक रूप से बाहर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ बात करके हम लोगों ने जरूरी सामान का, जो दुकानें खुल रही थी उनका समय भी परिवर्तित करवाया था। पर शाम को, देर शाम को जो है, कलेक्टर महोदय ने पूरे देवास ज़िले में कर्फ्यू की घोषणा की है और आज सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जरूरी सामान जो है वो उपलब्ध थे जनता के लिए, और 11 बजे के बाद पूर्ण रूप से कर्फ्यू प्रशासन की ओर से लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, तहसीलदार मैडम हो, जनपद CEO हो, वो सब अभी आज पूरे बाजार में, पूरे नगर में उन्होंने भ्रमण किया है। और जिस तरीके से उन्होंने भी अपील की है, कहीं कहीं पुलिस को सख्त भी होना पड़ा है, तो उसका अभी अपन जब देखें तो रिजल्ट यही है कि आप पूरी रोड जब देखेंगे तो पूरी रोड खाली है। कुछ ही लोग हैं जो अनजान थे या कहीं बाहर से आ रहे थे, सिर्फ उन्हीं को पुलिस पूछताछ के बाद अंदर जाने दे रही है, और थोड़ी देर बाद इस तरीके से पुलिस और भी सख्त हो जाएगी और किसी भी गाड़ी का या किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं। अच्छा, और किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, कितने दिनों तक क्या गश्त लगातार चलती रहेगी, इस विषय पर बात? देखिए, मेरी जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी, तो वो तो यही है कि 11 बजे तक क्या छूट थी वो खत्म हो चुका है समय। आज से लेके परसों सुबह 8 बजे तक पूरी तरीके से कर्फ्यू है, पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे, मेडिकल शॉप्स भी बंद हैं, किराने की दुकान भी बंद है। तो अभी तो ये गश्त पुलिस वाले और प्रशासन अधिकारी, जब तक हम लोग, क्योंकि ये जनता के लिए, जनता के हित के लिए ही है, प्रशासन जबरदस्ती इसीलिए कर रहा है क्योंकि जनता इसमें समझदारी नहीं दिखा रही है। जब हम खुद समझदार हो जाएंगे तो प्रशासन को भी सख्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो प्रशासन को सख्ती करना पड़ रही है वो इसीलिए करना पड़ रही है क्योंकि हम लोग अभी अपनी समझदारी नहीं दिखा रहे हैं। पुनीत जी, प्रशासन कह रहा है कि सोशल मीडिया की अफवाह पर ध्यान ना दे, सोशल मीडिया पर ऐसे संदेश वायरल कर जिनकी सत्यता की जाँच ना हो पाई हो। अभी कुछ दिनों से हम 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप लिस्ट जारी हो रही है जिसमें 50 से 60 लोगों के नाम हैं, तो उस व्हाट्सएप की क्या सच्चाई उस मैसेज की कि लोग कहाँ से आए हैं या संक्रमित लोग, ऐसी अफवाहें उलाई जा रही है, तो हमारे जनता जो है उसको कैसे हम बताएंगे कि इसकी क्या सच्चाई है? जिस लिस्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस लिस्ट के बारे में आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यह लिस्ट भारत सरकार ने जारी की है। उन लोगों के लिस्ट हैं जो भारत के अलग अलग एयरपोर्ट्स पे विदेशों की फ़्लाइट लेके उतरे थे। देवास ज़िले के लगभग 122 नाम हैं इसमें, और उसमें खातेगांव तहसील के लगभग 30 लोग हैं। अब इन 30 लोगों के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वो 30 लोग हैं जिनका क्वारंटाइन टाइम, 14 दिन का टाइम है, वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। और एक अच्छी बात यह है कि इन 30 लोगों में से किसी को भी कोरोना का कोई लक्षण अभी तक सामने नहीं आया। शासन ने जब ये लिस्ट जारी की थी उसके पहले ही, चूँकि एक जिम्मेदार मीडियाकर्मी होने के नाते, मैंने यहाँ के स्थानीय BMO को इस बारे में जानकारी दी थी कि कुछ लोग बाहर से भी यहाँ आए हैं। ऑलरेडी उनका एयरपोर्ट्स पे चेकअप हुआ था और उसके बाद यहाँ पे BMO ने अपनी टीम्स भेज के, अलग अलग टीम भेज के उन सभी को जो है वो चेक किया, और लगातार टीम फ़ोन पे और पर्सनली उनके टच में है। सभी का 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो पूरा हो चुका है। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि किसी भी मैसेज को आप जब फॉरवर्ड करते हैं तो एक बार उसकी सच्चाई जान लें, क्योंकि उस मैसेज के नीचे ये लिखा आ रहा है कि कृपया आप इन लोगों से दूरी बनाए रखें। ये बात सही है कि जो लोग बाहर से आए थे उन्हें 14 डेज का क्वारंटाइन टाइम दिया गया था, बट जब तक ये लिस्ट जारी हुई तब तक उन लोगों का ऑलरेडी 14 दिन का टाइम निकल चुका था। तो घबराने की या घबराहट की कोई बात नहीं है। फिर भी यदि इनमें से किसी को भी कोई लक्षण ऐसे दिखते हैं तो वो आकर, या वो उनके परिचित, उनके रिश्तेदार या उनके आस पड़ोस के लोग, वो प्रशासन को या स्वास्थ्य विभाग को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन इतना यहाँ पे सतर्क है कि आप यदि किसी भी तरीके की जानकारी देंगे तो उनके घर पहुँच के भी उनकी जाँच होगा।
अच्छा, और उस मैसेज को इस तरह से फैलाया जा रहा है कि इन लोगों के संपर्क में ही ना आए, इन लोगों के गलत है, ये गलत है, पूरी तरीके से गलत खबर है। हाँ। क्योंकि ये जब लिस्ट जारी हुई थी तब तक ऑलरेडी वो टाइम निकल चुका था। इसमें वो लोग भी हैं जो 1 मार्च से आए हुए हैं। तो 1 मार्च और आज 27 मार्च, ऑलरेडी 27 दिन का टाइम पीरियड है। इसमें से कुछ लोग मलेशिया से आए थे, कुछ कजाकिस्तान, कुछ उज्बेकिस्तान से आए थे, कुछ सऊदी अरब से आए थे, कुछ US से आए थे। तो ऐसे लोग हैं और ऑलरेडी उन लोगों का एयरपोर्ट पर जाँच हुआ था। हालांकि ये बात भी सही है कि जिन लोगों का एयरपोर्ट पर जाँच हुआ बाद में आके पॉजिटिव लोग वही निकले, बट अभी जो खातेगांव के 30 लोग हैं उनमें किसी में भी इस तरीके का कोई लक्षण नहीं। एक चीज़ का मैं और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मास्क और सैनिटाइज़र को बहुत हाइप दिया जा रहा है, हम चाहें तो अपने एक साधारण रुमाल को भी एक मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यही है कि आप उस रुमाल को अपने दूसरे कामों में उपयोग ना करें और प्रतिदिन उसको धोएं। कोशिश करें कि जब आप उसको धो रहे हैं तो धोने के बाद स्वच्छ पानी में थोड़ा सा डेटॉल डाल के और उसको सुखा लें ताकि उसके जो कीटाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं। और उस रुमाल को भी आप एज ए मास्क यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का बाज़ार में बहुत ज़्यादा एक कमी महसूस की गई थी, सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र भी उन लोगों को ज़रूरी है जो थोड़ी थोड़ी देर में बाहर जा रहे हैं या जो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं, जिनके पास हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था उस जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो आप उसके लिए घर में रह के सिर्फ साबुन से यदि आप 15-20-25 सेकंड तक यदि अपने हाथ आप रगड़ के धो रहे हैं तो आपको सैनिटाइजर की ज़रूरत यूँ भी नहीं है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति बिना सैनिटाइज़र, बिना मास्क के भी इस वायरस से बच सकते हैं, बशर्ते आप घर में रहें, अपने आप को जितना हो दूसरी चीज़ों से, बाहरी चीज़ों से बचा के रखें। तो आपने देखा कि किस तरह की सावधानी रखनी है, पुनीत जी ने बताया कि सावधानी रखनी है, किस तरह से आपको बाहर नहीं निकलना, साथ ही साथ कि सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग यानी उसका वैकल्पिक भी आपको हमने बताया है। साथ ही साथ आप पूरी स्थिति अभी लगभग 12:30 या 1 का टाइम समय हो रहा है, तो 1 बजे के आसपास पूरा मार्केट जो है आपको सुनसान दिख रहा है। पुलिस की एक बार गश्त हो चुकी है और मार्केट में भी लगातार पुलिस की गश्त चल रही है। तो आप सभी अगर घर में हैं तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।